प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हास्य व्यंग्य पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक अजीब तरह की सोच है। वह यह कि अगर आप दुखी हो, उदास हो, चिंतित हो, चिंतामग्न हो, किसी गहरे सोच में डूबे हुए हो, दुखी हो, तो आसपास के लोगों को लगता है कि चलो इसमें मैच्योरिटी बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है। दूसरी तरफ यदि आप प्रसन्न हो, अकेले में ही खुश हो, आनंदित हो, तो लोगों को लगता है कि ये इसमें अभी बचपना है, इसमें भी मैच्योरिटी की कमी है। अकेले में यदि ज़्यादा खुश हो जाओ, किसी अच्छे मोमेंट, किसी अच्छी बात को याद करके अकेले में हंस लो, तब तो लोग शक करना शुरू कर देंगे, कर देते हैं कि लगता है कि इसका स्क्रूप कुछ ढीला हो गया है। इस तरह की बातें, तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है कि दुखी होना को मैच्योरिटी और प्रसन्न होना को जो है बचपना माना जाता है। तो थोड़ा ये स्थिति थोड़ी बदले, इस पर मेरा थोड़ा प्रयास होता है। एक आनंदित व्यक्ति भी, एक खुश व्यक्ति भी मैच्योर हो सकता है। और जब जीवन है तो क्यों इसे दुख में जिया जाए, थोड़ा प्रसन्न होके ही जिया जाए। इसी सोच के साथ ऑनलाइन क्लास तो डेली हो ही रहा है, थोड़ा मैं सोचा कि कुछ ऐसे चीज़ों को मैं डालूं कि मेरे स्टूडेंट्स प्रसन्न हों, साथ ही साथ वे अन्य लोग को भी अगर कुछ क्षण चेहरे पर हंसी ला सका तो यह वीडियो बनाना सफल होगा। तो आज मैं टॉपिक चुना हूँ, अक्सर फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को जब मैं पोस्ट को देखता हूँ तो उसमें कुछ हास्य व्यंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। उन्हीं हास्य व्यंग वाली चीज़ों में से कुछ चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ, जिसको देख के ही बरबस लगता है कि एक आनंद का जो बबूला, हंसी का फव्वारा छूट पड़ता है। वैसे ही कुछ पोस्ट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बारी बारी से देखेंगे आप। एक पोस्ट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोरोना ही नहीं, खुद को भी फैलने से रोकें। इसमें एक आदमी बाइक चला रहा है, उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। वह आदमी इतना मोटा है कि बच्चा उसको संभाल नहीं पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो एक बहुत कमेंट जो है मोटापे पर इस पोस्ट के माध्यम से किया गया है। साथ ही साथ जो वैश्विक महामारी है उसको भी इस व्यंग्य में कहीं ना कहीं लपेट लिया गया है। नेक्स्ट है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में एक पोस्ट था। वह इंग्लिश बोलने वाली एक संस्था है, उसका जो है बैनर है कि दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें। तो इसके नीचे, पोस्ट के नीचे, इस पोस्ट के ऊपर एक लाइन भी लिखा हुआ है कि पता नहीं इंग्लिश सिखाया गया डकैती। तो दिन दहाड़े अंग्रेजी सीखे ही, थोड़ा शिक्षा जगत से बिल्कुल अलग टाइप का भाषा हो जाता है। भाषा जो है अपनी, हर एक विधा की अपनी अलग अलग होती है। तो शिक्षा में इस तरह का भाव और इस तरह का भाषा थोड़ा हंसने पर हमको मजबूर कर देता है। अब एक अगला पोस्ट में है कि एक व्यक्ति है जो प्रधान अर्थात मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए एक अपना पोस्टर बैनर लगवाया है। उसमें लिखवाया है कि समस्त ग्रामवासियों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सावन शब्द जो है उस पर चंद्र बिंदु लगा के एक अजीब सा स्थिति क्रिएट, अजीब सा शब्द उसको बना दिया है। उसके बाद लिखा है जीतने के बाद 50 केजी गेहूँ, 50 केजी चावल, 1 टीना घी, 1,000 रुपये नगद। यह उसने अपने घोषणा पत्र में एक तरह से कहिए जारी किया है।
उसी के नीचे लाइन लिखा हुआ है, अरे भाई तू प्रधानमंत्री पद के लिए लड़, कहाँ प्रधानी में फंसा हुआ है। तो यह लोकतंत्र पर एक करारा व्यंग तो है ही, साथ ही साथ लोकतंत्र में हमारी कहाँ कहाँ कमियाँ हैं कि ऐसे मुद्दे भी बन जाते हैं चुनाव में जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, लोकतंत्र की भलाई के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधक है। अब एक पोस्ट है, इस पोस्ट में आसाराम बापू जेल के अंदर बंद हैं और वो बाहर किसी को ऐसी नज़रों से देख रहे हैं जैसे किसी को खोज रहे हों, और उसी के ऊपर लिखा हुआ है रिया चक्रवर्ती आई क्या। कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर जब सस्पेंस बना हुआ था कि गिरफ्तारी होगी या नहीं, उसी समय यह पोस्ट वायरल हुआ था और आसाराम बापू देख रहे हैं इस दृष्टिकोण से कि रिया आई क्या, और नीचे यह भी लिखा हुआ है कि रिया के इंतजार में। आसाराम बापू तो एक अपने आप में एक हास्यास्पद जो है पोस्ट था। एक पोस्ट है जिसमें लड़का और लड़की के शादी की तस्वीर है और उसके ऊपर उसने लिखा है आई एम शादी किया। आई एम शादी किया तो एक अपने आप में एक ह्यूमर क्रिएट करता है। साथ ही साथ पिक को, पोस्ट को देख के हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह जो लड़का और लड़की है बहुत छोटा उम्र में, बहुत छोटे से उम्र में इसकी शादी हो रही है। बाल विवाह का एक नमूना है, व्यंग तो है ही, साथ ही साथ हमारे जो सोसाइटी पर एक तमाचा भी है कि अभी भी बाल विवाह इस तरह से जारी है, यह कुप्रथा। एक पोस्ट है जिसमें कोरोना काल में जो विवाह हो रहा है उसके बारे में कमेंट किया गया है कि इस कोरोना काल में विवाह कैसे हो रहा है। तो लड़के को जो है लड़की एक लाठी के माध्यम से उसको वरमाला पहना रही है, तो नीचे लिखा हुआ है सोशल डिस्टेंस वाला विवाह। तो एक और पोस्ट जो जनसंख्या नियंत्रण की धज्जियाँ उड़ाता है, तो उससे संबंधित यह पोस्ट है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और वह एक मोपेड चला रहा है जिस पर 7 बच्चे और बैठे हुए हैं। पुलिस वाला रोकता है और रोकने के बाद उसको दंडित नहीं करता है बल्कि उसके हाथ जोड़ लेता है और पूछता है कि भाभी जी को साथ नहीं लाए। तो आदमी रिप्लाई देता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, मीन्स 7 आ गए हैं, 8वें की तैयारी है। तो यह जनसंख्या नियंत्रण पर एक करारा जो है हमारा प्रहार है कमेंट के माध्यम से। यह एक पोस्ट है जिसमें एक बच्चा नंगा है लेकिन मास्क पहने हुए है, तो वह इस पोस्ट के जो है इस पोस्ट में एक लाइन टैग भी है, एक लाइन जुड़ा हुआ भी है कि अभी इज्जत से प्यारा स्वास्थ्य है, भले ही पैंट न पहना हुआ हो लेकिन मास्क लगाए हुए है। तो यह एक कोरोना काल में एक कमेंट के रूप में सामने आया जब प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही गई, तो उस पर कई पोस्ट व्यंग्य के रूप में सामने आने लगे, जिसमें ये 2 पोस्ट प्रमुख रूप से मैंने देखा। एक पोस्ट में एक पुल है जिसमें बीच का जो है पिलर वह अपने बेस से ऊपर हो चुका है, वह कहीं टिका नहीं है और वहाँ लिखा हुआ है आत्मनिर्भर पुल। एक कल दिखाई दे रहा है, इसमें से बिना पानी चलाए हुए ही पानी निकल रहा है, वाटर लेवल बढ़ जाने के कारण जो है किसी बाढ़ प्रभावित इलाके का यह तस्वीर है, और उसके नीचे भी लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भर कल, मीन्स बिना चलाए हुए ही यह पानी दे रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ यह 2 व्यंग सोशल मीडिया पर मुझे हंसने पर मजबूर किया। यह एक पोस्ट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आसान नहीं है गांव में क्रिकेट का अंपायर बनना, बात बात पर बाप की कसम खिलाते हैं हरामखोर,
मीन्स गांव के गली मोहल्ले में यदि आपने क्रिकेट खेलने का मज़ा लिया हो तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि अंपायर की एक दुर्दशा हो जाती है उस मैच में। जब भी कोई निर्णय विवादास्पद हो तो जिस पक्ष में आपका सकारात्मक जो है निर्णय जाएगा वह पक्ष तो खुश होगा, लेकिन उसके एंटी पक्ष ना खुश होंगे और फिर तरह तरह की प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी होती है। उसी से रिलेटेड यह पोस्ट था। तो ये कुछ पोस्ट्स ऐसे थे जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, तो कुछ इसमें हमको ह्यूमर कुछ लाफ्टर लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों के साथ भी यह शेयर किया जाए, वो भी कुछ इसका आनंद ले सकें। साथ ही साथ ह्यूमर को समझना, जोक्स को समझना अपने आप मानसिक व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने आप एक बहुत बड़ी बात है।